अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज मैं आपको साइट पे लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे कि हनीकॉम्बिंग क्या कहलाती है और हनीकॉम्बिंग क्यों आती है साइट पे, किन किन रीज़न की वजह से आती है हनीकॉम्बिंग, और इस हनीकॉम्बिंग को हम किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे साइट पर खड़े होके। तो बेसिकली ये मेरे पास ये साइट है, इसके अभी पिलन हमने पोर की थी और इसके अभी रीशटरिंग हुई है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हनीकॉम्बिंग की कंडीशन किस तरह की होती है। तो ये देखें, यहाँ पे हनीकॉम्बिंग यहाँ पे आई हुई है, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इसमें रेनफोर्समेंट भी आपको देखने को मिल रही है। तो इसके डिफरेंट रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले रीज़न इसमें ये होता है कि आपकी जो वाइब्रेशन जो है इसमें सही तरह से परफॉर्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो फर्स्ट रीज़न आपका ये हो गया। सेकेंड रीज़न ये है कि आपका वाटर सीमिट रेशो, अगर आपका वाटर सीमिट रेशो आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, आप जो आपका रेशो है उसमें आप पानी ज़्यादा मिला रहे हो या कम रख रहे हो, दोनों सूरतों में आपको हनीकॉम्बिंग देखने को मिल सकती है। हनीकॉम्बिंग आने के चांसेस हो जाते हैं जब आपका वाटर सीमिट रेशियो प्रॉपर नहीं होता। तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वाटर सीमिट रेशियो प्रॉपर रखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हनीकॉम्बिंग से बच सको। ठीक है, थर्ड में बाद जो रीज़न होता है वो एग्रीगेट्स के साइज़ का होता है। ये देखें, यहाँ पे एग्रीगेट्स आपको दिख रहे हैं, ये देखें इसके साइज़ भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपका 20 mm से ज़्यादा का साइज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो इन द कॉन्क्रीट, तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि हनीकॉम्बिंग आपको फेस करने को मिले इस कंडीशन में। ठीक है, और फोर्थ हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है कवर ब्लॉक। अगर आप कवर ब्लॉक प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो ड्यूरिंग कॉन्क्रीट क्या होता है, जब आप ड्यूरिंग कॉन्क्रीट कर रहे होते हो तो रेनफोर्समेंट में मूवमेंट पैदा होती है और वो जाके शटरिंग से लग जाती है। कवर ब्लॉक लगा होगा, शटरिंग के फेस से नहीं लगेगी। तो जब कवर ब्लॉक आप प्रोवाइड नहीं करते, वो शटरिंग के फेस से मिल जाती है। रेनफोर्समेंट जब रिमूव होती है शटरिंग, तो आपको कंडीशन देखने को मिलती है हनीकॉम्बिंग की। फाइव रीज़न आपका शटरिंग का भी है इसमें। अगर आप शटरिंग सही से कंडीशन सही नहीं है, मैं आपको दिखा दूं, अगर इस तरह की आप शटरिंग यूज़ कर रहे हो साइट पर, इसकी कंडीशन अगर सही नहीं है, तो वहाँ भी आपको ये हनीकॉम्बिंग फेस करने को मिल सकती है। क्योंकि इस तरह की शटरिंग में होता यह है कि जो आपका वाटर होता है वो बाहर आ जाता है, वाटर सीमिट रेशो वो आपका बाहर आ जाता है और जो फिर एग्रीगेट्स आपके बचते हैं, तो इस तरह की आपको कंडीशन देखने को मिलती है। रीज़न तो सारी रीज़न पे अगर आप प्रॉपर काम करोगे, आपको हनीकॉम्बिंग से आप बच सकते हो। अब बात ये कि इसको रिपेयर किस तरह से करें। तो मार्केट में बहुत सारे ग्राउट के केमिकल्स होते हैं, वो आप लाओ इसमें और इसको पहले इसको क्लीन कर लो, इस हनीकॉम्बिंग को जितना लूज मटेरियल है उसको बाहर निकाल लो, फिर ग्राउट का पेस्ट बनाओ और इस पर अप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप इसमें सीन से ही बचोगे, आपको रेफोर्समेंट इसमें क्रोशन से भी बचेगी। ठीक है, तो ये रीज़न होते हैं ताकि आपका जो स्ट्रक्चर आपका जो है वो एक लाइफ टाइम अच्छा रहे। जब आप इसमें अगर सिंपली मोटार यूज़ करोगे, तो आपके चांसेस हैं कि स्ट्रक्चर आपका फेलियर हो सकता है इन द फ्यूचर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।